नमस्कार दोस्तों, ग्लोबलपुर में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का ऑप्टिक्स में छठा वीडियो लेकर आया हूँ और रिफ्लेक्शन इससे पहले पढ़ाए हैं वो जो समाप्त हो गया है। अब इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, अपवर्तन। तो अपवर्तन से संबंधित फिजिक्स में जो टॉपिक है उसको हम लोग उसमें से कुछ टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते देखें, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा रिफ्रैक्शन, यानी कि टॉपिक जो इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन थ्रू प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस, यानी कि समतल और गोलीय सतह द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो पहला टॉपिक इसमें है प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या है, परावर्तन में हम लोग सीखे थे कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाता है, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट जाता है। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर पढ़ना है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी प्रवेश करेगा। तो डिफिनेशन देखिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो फिगर समझिए कि ये क्या हो, हम क्या किए, कांच का एक सेल ले लिए, मीडियम चेंज कर दिए, ऊपर में एयर है नहीं हवा है और ये जो कांच है नहीं ग्लास लिए। तो देखिए एयर से जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो उसको जाना चाहिए ये सीधा, लेकिन ये अपने पथ से विचलित हो गया, मुड़ गया और ये जो है अभिलंब है जिस बिंदु से वो अपवर्तित हुआ। उसी तरह जब ये कांच से हवा में पुनः निकल रहा है तो फिर ये अभिलंब से दूर मुड़ गया। तो यही है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश किसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कब अभिलंब की ओर मुड़ेगा, कब अभिलंब से दूर मुड़ेगा, वो रिमेंबर पॉइंट्स में लिखा देंगे हम लोग। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए, ये मान लीजिए ऊपर विरल माध्यम और नीचे सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, नहीं यूँ समझ ले कि विरल माध्यम किसको कहेंगे, सघन माध्यम किसको कहेंगे। तो किसी से तुलना करना पड़ता है तब विरल सघन का हम लोग तुलना कर पाएंगे, यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है उसको विरल माना जाता है और जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है उसको हम लोग सघन माध्यम मानते हैं। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, जैसे कि इस आकृति में हम लोग देखें। अब इसका कारण क्या, आखिर अपने पथ से विचलित क्यों हो जाता है, कुछ तो कारण होगा, तो उस कारण को देख लेते हैं। देखें काउज कारण, यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब प्रकाश का वेग घट जाता है, इसलिए प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तब प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, इसलिए वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अतः प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग का बदलना है। तो ये जो लास्ट पॉइंट है बस इसको याद रखना है कि आखिर क्या मेन कारण है, ये कि प्रकाश का जो वेग होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, इसलिए अपने पथ से विचलित हो जाता है। ये कारण हो गया कि आखिर प्रकाश अपने पथ से क्यों मुड़ता है, तो मुख्य कारण आया कि प्रकाश का जो वेग है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होने के कारण
अपने पथ से विचलित हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अपवर्तन से संबंधित कुछ रिमेम्बर पॉइंट्स है। जिसमें से पहला पॉइंट है कि अपवर्तन के लिए दो माध्यम का होना आवश्यक होता है। यानी परावर्तन में हम लोग देखे थे कि केवल एक माध्यम होता है, यानी उसमें माध्यम चेंज नहीं हुआ था। अगर प्रकाश ऊपर से आया था तो फिर ऊपर ही लौट गया था, मतलब उसमें माध्यम चेंज नहीं था। लेकिन अपवर्तन में माध्यम चेंज होता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो इसलिए अपवर्तन में दो माध्यम का होना आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट है कि अपवर्तन प्रकाश के अलग अलग रंगों पर निर्भर करता है, यानी प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उन सभी रंगों पर अपवर्तन निर्भर करता है। तीसरा है कि अपवर्तन के दौरान आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, यानी आवृत्ति नहीं बदलता है। चौथा है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब प्रकाश का वेग, तरंग दैर्ध्य और माध्यम बदल जाता है। लेकिन हम लोग परावर्तन पढ़े थे कि उसमें वेग, तरंग दैर्ध्य, माध्यम नहीं बदला था और अपवर्तन में बदल जाता है। पांचवा पॉइंट है कि प्रकाश के अपवर्तन में आयाम और प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है, तो उसमें अपवर्तन में परावर्तन में तीव्रता नहीं बदला था, इसमें बदल जाता है। छठा पॉइंट है कि जब प्रकाश अपरिवर्तित होता है, अपवर्तित होता है, तब कभी भी आपतन कोण का मान जो होता है वो अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। यानी कि परावर्तन में हम लोग समझे थे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन अपवर्तन में जो है आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान कभी भी बराबर नहीं होते। इस चीज़ को याद रखना, संक्षेप में ऐसे याद रख सकते हैं कि आई जो है डज नॉट इक्वल टू आर, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होगा। सातवां है कि यदि प्रकाश के किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है हो तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। अब ये कैसे याद रखें, तो उधर हम लोग समझाए कि विरल से सघन में आ रहा है, तो इसलिए ये अभिलंब से मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो ये आपतन कोण ज़्यादा होगा, अपवर्तन कोण कम होगा। तो यहाँ इसको संक्षेप में इसे याद रख सकते हैं। फिर आठवां है कि यदि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तब आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है, तो उसी तरह इसको भी समझ सकते हैं, क्योंकि सघन से विरल में जा रहा है, तो ऐसे समझिए, ये मान लीजिए अब सघन से विरल में जा रहा है, तो विरल में जाएगा तो इसका वेग बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण ये अभिलंब से दूर भाग जाता है। दूर भागता है तो ये आई और ये आर हुआ, तो इस स्थिति में आई का मान आपको छोटा हो जाएगा आर से। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो आपतन कोण का मान बड़ा होगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो आपतन कोण का मान छोटा होगा। आगे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक क्या है, तो प्रकाश का निर्वात में वेग और प्रकाश का माध्यम में वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या फिर एन से सूचित किया जाता है। तो अपवर्तनांक का डिफिनेशन के अनुसार अगर चलें तो डिफिनेशन से निकलता है अपवर्तनांक इक्वल टू, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। संक्षेप में लिखे तो अपवर्तनांक को म्यू सूचित किए, निर्वात में प्रकाश का वेग को हम लोग सी सूचित करते हैं, और किसी माध्यम में इसके जगह कुछ भी आ सकता है, हवा, पानी, कांच, इस कुछ भी आ सकता है, तो माध्यम में प्रकाश के वेग को भी लिखते हैं। तो म्यू बराबर हो गया सी बटे भी, अपवर्तनांक बराबर, ये फॉर्मूला हो गया। अब अपवर्तनांक से संबंधित रिमेम्बर पॉइंट्स देख लीजिए। पहला है कि अपवर्तनांक का मान
दो अलग अलग माध्यमों पर निर्भर करता है, यानी चूंकि निर्वात और माध्यम आता है, तो इसलिए अपवर्तनांग का मौन दो अलग अलग माध्यम पर निर्भर करेगा कि माध्यम किस प्रकार का है। दूसरा है कि अपवर्तनांग प्रकाश के अलग अलग रंगों पर निर्भर करता है। फिर तीसरा है कि अपवर्तनांग का मौन प्रकाश के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ये म्यू जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होगा वेग के, जो कि यहाँ आपको लिखा हुआ है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ हुआ कि अगर वेग बढ़ेगा तो अपवर्तनांग घट जाएगा, अगर वेग घटेगा तो अपवर्तनांग बढ़ जाएगा। तो जब व्युत्क्रमानुपाती हो और दो केस में, यानी कि दो माध्यम का अगर बात करता होता हो, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, व्युत्क्रमानु के केस में अगर दो माध्यम की चर्चा हो तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, म्यू वन बटे म्यू टू बाय वी टू बटे वी वन। उसी तरह चौथा है कि अपवर्तनांग का मान प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये म्यू जो है तरंग दैर्घ्य वन बाय लेमडा हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती केस में उसी तरह दो माध्यम लेंगे तो म्यू वन बाय म्यू टू इक्वल टू लेमडा टू बाय लेमडा वन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पांचवा, बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। अभी तुरंत परे हम लोग की वन बाय लेमडा म्यू बराबर होता है यानी व्युत्क्रमानुपाती, तो ये अगर ज़्यादा रहेगा तो ये कम जाएगा, तो हमको पता है बैगनी रंग का लाल रंग से कम होता है, यानी कि लेमडा भी का मौन 3900 और लेमडा आर का मौन 7800 होता है, तो इसलिए लाल का कम हो जाएगा और बैगनी का अधिक हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखें कि लेमडा आर जो है वो अधिक होता है लेमडा भी से, तो इसलिए इस अपवर्तनांक जो होगा लाल रंग का कम होगा और बैगनी रंग का अधिक होगा। छठा, अपवर्तनांक का मान ताप बढ़ने से घटता है, मतलब उल्टा है, यानी बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अपवर्तनांक यानी म्यू जो होगा वो वन बाय टी के समानुपाती हुआ यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती केस में डबल माध्यम लेंगे तो म्यू वन बाय म्यू टू इक्वल टू टी टू बाय टी वन हो जाएगा। सातवां है कि हवा का अपवर्तनांक एक के बराबर होता है, यानी म्यू एयर इक्वल टू एक। फिर एक कांच का अपवर्तनांक 3/2, यानी इसको डिवाइड दे देंगे तो 1/1.5 होगा, तो 3/2 अर्थात 1.5 होता है, यानी कि म्यू जी जो है वो 1.5 होगा। नवा है कि पानी का अपवर्तनांक 4/3 होता है, अर्थात म्यू डब्ल्यू जो है 4/3 इक्वल टू हो जाएगा 1.33 हो जाएगा। दस में है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जो कि 2.42 होगा, ये हीरा का सबसे अधिक होता है। अगला पॉइंट है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वह आपतन कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो उसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। तो फिगर से समझते हैं, तो इसमें क्या बोला है कि प्रकाश सघन से विरल में जाएगा। तो देखिए, जब प्रकाश ऊपर लिखें सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम है, तो जब सघन से विरल में गया तो यह विलंब से दूर भागा, तो यहाँ 90 डिग्री नहीं है। 90 कब होगा? जब इस तरह से बिल्कुल होगा तो 90 होगा, तभी 90 नहीं है। तो आई जो है वो आर जो है अभी 90 से छोटा है यार, तो इसलिए आई जो है सी के बराबर नहीं होगा। अब मान लीजिए इसको थोड़ा सा झुकाएंगे, यानी कि नीचा करेंगे, तो नीचा करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, अब दूसरा केस लिए कि अब आर जो है, जैसे मान लीजिए इसको झुकाते के एक केस ऐसा आया कि ये प्रकाश जो है पुनः इस पर आ गया,
इस पर आ गया तो इस स्थिति में ये जो आर का मान जो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो जिस समय अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा उसी समय आपतन कोण को ही हम लोग क्रांति कोण बोलेंगे। तो यहाँ लिखे हैं कि आर 90 डिग्री है तो इसी आपतन कोण को यानी कि आई को ही हम लोग सी बोलते हैं। तो वही परिभाषा लिखा है कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसको उसी आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। अब स्नेल के नियम से अगर देखा जाए, स्नेल का नियम आगे मिलेगा तो यहाँ देख लीजिए, स्नेल के नियम से अगर देखा जाए तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, तो फोर स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हम चलेंगे तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन होता है। अब आई क्या है, आई तो सी के बराबर है तो साइन सी हो गया, बट आर 90 डिग्री बराबर है तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू म्यू टू। म्यू टू क्या है, मान लिया हवा है क्योंकि सघन से विरल में जा रहा है तो विरल माध्यम को हम हवा मान लिए, तो हवा का अपवर्तनांक होता है एक, तो म्यू टू का मान हो गया एक। और म्यू वन मान लीजिए कोई भी माध्यम है उसका अपवर्तनांक म्यू मान लिए, कुछ भी हो सकता है पानी कांच, तो उसका अपवर्तनांक हम लोग म्यू मान लिए। तो म्यू टू का मान एक और म्यू का माध्यम का अपवर्तनांक म्यू मान लिए, तो साइन सी बाय साइन 90 बराबर हो गया एक बटे म्यू। तो साइन सी और साइन 90 डिग्री का मान होता है एक और 1 बाय म्यू, तो हो गया साइन सी बराबर 1 बाय म्यू। तो सी हमको निकालना है क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण सी बराबर हो गया साइन इनवर्स 1 बाय म्यू हो गया। ये क्रांतिक कोण के लिए आपको फॉर्मूला हो गया। आगे देखिए यानी स्नेल के नियम इसमें आएगा, जो कि अपवर्तनांक के जो नियम होता है उसी अपवर्तन का जो नियम होता है उसी के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। तो देखिए यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जिस तरह से परावर्तन के दो नियम होते हैं उसी तरह अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो जिसमें से पहला है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, वहाँ था कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक विद्युतल में होता है, और बस थोड़ा सा अंतर हो गया कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो एक ही तल में होते हैं। उसके बाद सेकेंड लॉ है, इसी सेकेंड लॉ को ही हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं। देखिए सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ है कि प्रकाश के जो है किसी भी विशेष रंग की बात करें, चूँकि सात रंग होता है तो किसी विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की जया यानी आपतन कोण की जया मतलब साइन थीटा ग्रुप में आएगा, तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी इसी को हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं। तो देखिए साइन आई मतलब आपतन कोण की जया और बटे साइन आर अपवर्तन कोण की जया का अनुपात यानी बटे ये है अपवर्तनांक के बराबर होता है, मतलब म्यू वन से टू यानी वन से टू का मतलब हुआ कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो फाइनल हो गया स्नेल के नियम जो होता है वो हो जाता है साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। इसको पढ़ेंगे कैसे उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते, नीचा में लिखा है, देखिए नोट में लिखे हैं। अगर मान लीजिए ए म्यू जी लिखा है तो ए म्यू जी का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि प्रकाश जो है एयर से ग्लास में जा रहा है यानी हवा से कांच में जा रहा है। फिर दूसरे तरीका इसको अपवर्तनांक में कैसे पढ़ेंगे, तो अगर मान लीजिए ए म्यू जी लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कांच का अपवर्तनांक हम लोग निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष में, तो हवा के सापेक्ष में। तो वही लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक विथ रिस्पेक्ट टू एयर हवा के सापेक्ष में, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। उसी तरह अगर इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए ए म्यू जी है तो म्यू जी को ऊपर लिखेंगे और म्यू ए को नीचा लिखेंगे, तो ए म्यू जी इक्वल टू हो गया म्यू जी बाय म्यू ए। तो इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ना है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हाँ, इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप मेरे चैनल पर जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। अबे यार।